क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनय। आप यहाँ कायमगंज विधानसभा में क्या करने आए हैं? कुछ नहीं, हम तो आए थे पेड़ खरीदने। कहाँ से आए हैं? हम आए हैं जलालाबाद। जलालाबाद से जी। कैसी रोडें मिली, क्या क्या रहा आपको? रोड की स्थिति तो बहुत खराब है भाई। अच्छा, कितना समय लगा, कितना समय लगना चाहिए था आने में? हमें वही 1 से 1.5 घंटा लगना चाहिए, वो 3 घंटा लग रहा है। अच्छा, रोड यहाँ बहुत खराब है फरुखाबाद जिले की। हाँ, फरुखाबाद जिले का खराब है, अहमदाबाद में भी खराब है, सारा रोड जर्जर पड़ा। कायमगंज विधानसभा की रोड ज्यादा खराब है जी। तो कहीं ना कहीं लगता है कि स्थानीय विधायक ने कोई काम नहीं कराया। करवाया होता अगर तो मतलब इतना डैमेज नहीं होता। दादा क्या नाम है? महमूद आलम। आपका ये ट्रांसपोर्ट नगर है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि विधायक जी ने इसके लिए कुछ किया है कि नहीं किया है? विधायक जी घूमे भी नहीं होंगे सर, आगे निकलते चले जाते होंगे आपके खैर सपाटे के लिए, लेकिन आप कभी खुद भी जाके देख लीजिए, ट्रांसपोर्ट पर कोई भी काम नहीं है। ट्रांसपोर्ट के ऊपर पानी की व्यवस्था होना चाहिए थी, सड़क शौचालय होना चाहिए था, तमाम भीड़ वहाँ पर रहती है, बिजनेस व्यापारी रहते हैं, सब व्यापारी बेचारे बहुत ही परेशान रहते हैं पंजाब पॉलिटिक्स की वजह से। कहीं ना कहीं तंबाकू का व्यापार होता है यहाँ पर, तो क्या होना चाहिए था? तंबाकू का व्यापार होता है बहुत बड़े पैमाने पर होता है, लेकिन सब सिटी के अंदर हो रहा है, जिससे सिटी वाले बहुत परेशान हैं, उनके सांस के मरीज हो रहे हैं, अस्थमा के शिकार हैं, कैंसर की बीमारी सबसे ज़्यादा कायमगंज के अंदर फैल रही है। अभी भी कहीं भी अध्यक्ष उठा लीजिएगा, सारे जिलों का सबसे ज़्यादा कायमगंज के तहसील के अंदर ही कैंसर की बीमारी है, वो सिर्फ तंबाकू ही वजह है भाई। तंबाकू के गोडाउन कहीं भी बाहर शहर से बाहर ले जाए, वहाँ करो बिजनेस, करो खुद करो तंबाकू से, लेकिन ये नहीं है। तंबाकू में हर घर के बीच में गोडाउन है, पूरा शहर परेशान है, रात भर खाँसते हैं, दिन भर खाँसते हैं, और इसी खाँसते खाँसते ही अस्थमा के शिकार हो गए हैं, और काफ़ी लोग तो इसमें मर गए। आशीष देवाकर। कौन सी विधानसभा क्षेत्र है ये? कायमगंज। विधायक कौन है? अमर सिंह खटीक। ये कौन सा गांव है? बरियाला। तो इसी गांव के हैं क्या जी? आप ये बताएं कि क्या उन्होंने इस क्षेत्र में विकास कराए हैं कि नहीं कराए हैं? विकास क्या साहब, हमारे घर के पास में जो नल था, जगह तो खैर विधायक जी की थी, लेकिन विधायक जी होते ही उन्होंने वो नल और खड़वा लिया। अच्छा, यहाँ पर ये रोड टूटी है, तो कैसा इन्होंने क्षेत्र में विकास कराया है? रोड साहब 3 लिंक रोड है, तीनों टूटे पड़े हैं। ये उन्हीं का गांव है, क्षेत्र में किस तरीके की रोड है? क्षेत्र में जब गांव की कंडीशन ये है, तो हम क्षेत्र की क्या बताएं आपको। स्कूल में स्वास्थ्य शिक्षा सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है। शिक्षा क्या है, पहले जो जूनियर था वही है, नया कुछ नहीं है। नया कुछ नहीं है, चलिए। आशीष देवाकर। कौन सी विधानसभा क्षेत्र है ये? कायमगंज। विधायक कौन है? अमर सिंह खटीक। ये कौन सा गांव है? बरियाला। तो इसी गांव के हैं क्या जी? आप ये बताएं कि क्या उन्होंने इस क्षेत्र में विकास कराए हैं कि नहीं कराए हैं? विकास क्या साहब, हमारे घर के पास में जो नल था, जगह तो खैर विधायक जी की थी, लेकिन विधायक जी होते ही उन्होंने वो नल और खड़वा लिया। अच्छा, यहाँ पर ये रोड टूटी है, तो कैसा इन्होंने क्षेत्र में विकास कराया है? रोड साहब 3 लिंक रोड है, तीनों टूटे पड़े हैं। ये उन्हीं का गांव है, क्षेत्र में किस तरीके की रोड है? क्षेत्र में जब गांव की कंडीशन ये है, तो हम क्षेत्र की क्या बताएं आपको। स्कूल में स्वास्थ्य शिक्षा सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है। शिक्षा क्या है, पहले जो जूनियर था वही है, नया कुछ नहीं है। नया कुछ नहीं है।
चलिए जाइएगा, रुक जाओ। क्या नाम है दादा आपका? बबलू। कौन सी विधानसभा है ये? इटानगंज। ये कौन सा गांव है? बरजाला। विधायक कौन है? अमर सिंह खटेक। इसी गांव के हैं क्या? इसी गांव के। क्या काम हम कराए उन्होंने कि नहीं कराए? काम तो उन्होंने बहुत कराए हैं, लेकिन हमारे गांव में खड्डे कराए। कैसे खड्डे? आपके सामने ही हैं। अच्छा, क्या और होना चाहिए विधायक जी के? देखो, हमको क्या चाहिए? हमें मतलब हमारे गांव का विकास होना चाहिए। हमारे यहाँ नर्सरी होती है, उनका वृक्षारोपण का मान लो उनको थोड़ा बहुत दिया जाए। मान लो सरकारी सप्लाई बहुत हो रही है, लेकिन हम लोगों को नहीं मिली है किसी को भी। तो मान लो वृक्षारोपण होना चाहिए आपके यहाँ, इतनी विकास होना चाहिए आपके यहाँ। जो नर्सरी का इतना बड़ा काम होता है, तो कहीं ना कहीं इसके लिए क्या क्या जरूरतें रहती हैं आप लोगों को, जो विधायक जी ने नहीं कराई? जो उनके मान लो समझ में आती है, उनके मान लो उसमें आती हैं, वो मान लो उनको कराना चाहिए। बाकी तो हम लोग अपने करते ही रहते हैं। क्षेत्र में भी काम कराया उन्होंने जो वादे किए थे? क्षेत्र के मुझे पता नहीं, मेरे गांव में तो कुछ कराया नहीं। मेरे गांव में मेरे कुछ नहीं कराया। मेरी सड़कें सारी खुदी पड़ी हैं, सारे खड्डे हैं, आपको नजर आ रहे होंगे। ठीक, अच्छा जी।